देख सकते हो। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। मिस पर बड़े होंगे, मैं संजय और आप देख रहे हैं संजना ब्लॉग। तो दोस्तों मैं सुबह ही सुबह जल्दी तैयार होके तो मैं जा रहा हूँ मंदिर में। तो आज है बैसाखी, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी बैसाखी। तो मंदिर में प्रसाद वगैरह बनाना है तो सभी लोग बुला रहे थे, तो हाथ में उठा लिया मैंने तिल्ला और सामान वगैरह सब कुछ। तो मैं जा रहा हूँ मंदिर में। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे हमारे गांव में किस तरह से बैसाखी मनाई जाती है, किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पे हर साल बैसाखी में मेला लगता है, तो मेले में लोग मतलब हर गांव में ना एक मेला लगता है जिसमें झूला बहुत बड़ा लगाया जाता है ये दरख्त पे। तो लोग सारे लोग आके वहाँ पे झूले में झूलते। तो मैं आपको मेला दिखा दूँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ मंदिर में, मंदिर में बनाना है प्रसाद, तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा, सामान भी उठाया हुआ है। तो हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे सामने पीछे माता काली का मंदिर है। तो ये काफ़ी समय पुराना मंदिर यहाँ पे बनाया गया, लगभग 10-12-15 साल हो गए मंदिर को। यहाँ पे जब भी बड़ा त्यौहार होता है हमारा, यहाँ पे प्रसाद बनाया जाता है। तो अभी भी लोग तो बहुत कम है, तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह बना रहे हैं हम, तो कई काम पर आगे पीछे लग गए, तो इसकी वजह से लोग बहुत कम है आज। तो फिलहाल हम प्रसाद वगैरह बनाएँगे, तो उसके बाद जाना है घर। तो घर जाने के बाद फिर जाना है पूरे गांव में घूमना है, तो मेले में घूमना है, तो फिर आपको दिखा दूंगा मैं। जगह से खड़े होके चारों तरफ से देख सकते हो आप क्या व्यू दिखता है यहाँ पे। ये मैंने पहले भी व्लॉग डाल रखा था, तो ये सामने पीर पंजाल और पूरा व्यू बहुत ही बढ़िया वाला दिखता है यहाँ से होके। तो ये सामने रही सुंगड़ी की मार्केट, तो ये सारा गाँव हमारा है, चाणा का गाँव, चसाना चसाना मार्केट हो सामने। तो दोस्तों मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ा के तो मैं और मीता आ गए वापस घर। तो अभी जा रहे हैं वापस घर, घर जाके थोड़ा खाना वगैरह बना के तो निकलना है, हमने भी जाना है वापस घूमने के लिए गांव पे। लगा लिया सुबह ही सुबह झूला, तो सुबह सुबह झूला लग के झूलने, ये तो छोटा सा ही ये क्या है हमारे लिए। दोस्तों अभी मैं चढ़ रहा हूँ झूले पे, तो सुबह सुबह मिल गया एक छोटा सा झूला, तो मैं चढ़ रहा हूँ देखने के लिए, देखते हैं ज़रा। तो तो दोस्तों अभी हमने झूला तो कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि छोटा सा झूला था, जगह भी बहुत कम थी, कुछ मज़ा नहीं आया। इसके बाद जाना है हमने सीधा जो सबसे बड़ा झूला जहाँ पे मेला लगता है वहाँ पे जाना है हमने। तो व्लॉग तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा आज, क्योंकि पूरा दिन पड़ा हुआ है, अभी तो सुबह के 9 बजे, तो रात को 6 बजे अभी, तो व्लॉग पूरा दिन बनाने लगभग आधे 1 घंटे का बन जाएगा, इसलिए आज मैं व्लॉग तो शॉर्ट बनाऊंगा, तो शॉर्ट में सबको दिखा दूँगा आपको। तो मेन जगह होगी वहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँगा किस तरह व्लॉग को पूरा देखें, व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग, पूरा देखना व्लॉग को। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ पे मेला लगा हुआ, मतलब यहाँ पे झूला भी झूल रहे हैं, किस तरह का झूला है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपको दिखा दूंगा किस तरह का झूला है वहाँ पे। तो फिलहाल मेरे साथ तो कश्मीर सिंह और गया थे, क्योंकि वो अभी पीछे रह गए दुकान पर, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर। तो ये हमारा गांव है ऊपर वाला, टॉप वाला,
काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आया मैं। तो हमने जाना है तो सामने वाली जगह, यहाँ पे जाना है हमने अभी। दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पे, तो सामने हमने जाना है अभी। तो भीड़ तो बहुत ही कम लग रही है अभी, देखते हैं जरा। दोस्तों सामने यहाँ पे लगा हुआ है झूला, पहुँचते पहुँचते आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चढ़ा हुआ है मेरा भाई, तो ये बांध रहा है रस्से के ऊपर, तो रस्से को अच्छी तरह से बांध के। तो यहाँ पे इसके ऊपर लगभग दो दो आदमी चढ़ते हैं झूलने के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़े बंदे कम ही होंगे, क्या पता दिन को ज़्यादा। तो अभी मैं भी ऊपर चढ़ा हुआ था हेल्प की भाई की, तो अभी चढ़ा हुआ है भाई चेक करने के लिए, तो देख सकते हो आप। तो दोस्तों इसके बाद बारी है मेरी झूले पे चढ़ने की, तो आप देख लेना किस तरह से मैं चढ़ता हूँ झूले पे, कितना दूर जाता हूँ मैं। तभी मेरी बारी आई थी चढ़ने की, तो मैं उतर चुका यहाँ से। तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा देख सकते हो आप, यहाँ से ऊपर ऊपर तक भीड़ देख सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन हर साल बैसाखी के मौके पर ये मेला लगता है। बहुत ही आदमी, अभी तो इस बार तो कम है, पिछली बार बहुत ज़्यादा है। अभी तो टाइम बहुत है, अभी लगभग 3-4 बजे तक बहुत ही लोग जमा हो जाते हैं यहाँ पे। हम जल्दी जल्दी घर जाएंगे क्योंकि कल हमारा पेपर है, तो पेपर की तैयारी भी करनी है। और सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मज़े यार, बहुत अच्छा मज़ा। इस बार हर इस बार एंजॉय लिया, पिछली बार ज़्यादा एंजॉय था ना? इस बार ज़्यादा है। इस बार ज़्यादा नहीं यार, पिछली बार हमने बहुत एंजॉय किया था, इस बार तो बहुत कम एंजॉय है, क्योंकि नया नया मेरा फ़ोन था तब बहुत एंजॉय किया था। तो लोग बहुत ज़्यादा है वैसे ना। तो इतने ज़्यादा नहीं है जितने हर दिन, हर पिछले साल जितने थे उतने साल नहीं। बज रहे शाम के 4, तो मैं थक चुका हूँ झूले पे चढ़ चढ़ के, तो बैटरी थोड़ी कम हो चुकी है। तो इसके बाद जाना है हमने अभी घर, यहाँ की भीड़ में एक बार फिर से बता देता हूँ आपको 4 बजे। लेकिन लोग आए थे वापस चला गए, तो मेरे फ़ोन की बैटरी बची 2%। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, लोग अभी भी झूले पे चढ़े हुए हैं, तो देख सकते हो आप अभी तक भी मनते तो बहुत थे लेकिन वापस चला गए। गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई, तो इसके बाद आपने अपने घर जाना है, तो पेपर की तैयारी वगैरह करनी, क्योंकि कल पेपर है इसके लिए। तो दोस्तों अभी का मौसम मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का मौसम है, हवा बहुत चल रही है। तो कितनी हवा चल रही है यहाँ पे, सभी कपड़े वगैरह रखे हुए थे सब भी उड़ गया, बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई एकदम से। तो
मौसम भी बारिश वाला हो गया, तो घर पे तो कोई नहीं है। मम्मी और की है। तो ये रहा मेरा घर, मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पे अपने डिस्टेंपर करवा दिया बाहर। तो ये मेरा कमरा है, यहाँ पे ये मेरा कमरा, ये मम्मी और का कमरा। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। तो बैटरी भी नहीं है फ़ोन पे क्योंकि हवा चल रही है, जिसकी वजह से लाइट वगैरह नहीं आई हुई है। तो कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसे मज़ेदार व्लॉग देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली जितने भी व्लॉग होंगे तो वो पहुँचेगी आपके पास सबसे पहले। तो हमारा ज़रूर इंतज़ार करा करो, हमारे व्लॉग देखा करो, क्योंकि इतनी मेहनत से व्लॉग में तो कमेंट बना रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन की प्रॉब्लम की वजह से। तो फ़ोन मेरा आने वाला हो सके 10-12 दिनों के अंदर फ़ोन लेने वाला हूँ मैं। तो अब बता दूंगा जब अनबॉक्सिंग करूंगा, फ़ोन लूंगा तो अनबॉक्सिंग करूंगा तो आपको बता दूंगा कौन सा फ़ोन लेने वाला हूं। तो मिलते हैं हम आपको सर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक